मेघालय प्लैटू का जो तो एक नाम है वॉट इज शिलोंग प्लेटू ठीक है ये अक्सर एक एग्जाम में जो है वो आपसे पूछ लेते हैं अल्टरनेटिव नेम ऑफ मेघालय प्लेटू इज शिलोंग प्लेटू देन अगला पॉइंट लिखिएगा दिस प्लेटू या मेघालय प्लेटू मेक्स 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 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बाउंड्री मेक्स नॉर्थ ईस्ट Frontier makes northeast front uh, frontier boundary makes northeast frontier boundary of northeast frontier frontier boundary of boundary of boundary of, boundary of peninsular plateau boundary of peninsular plateau boundary of Plateau, है? तो ये भी एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बाउंड्री बताओ इन चारों में से कौन सा प्लेटू बनाता है तो आपके ऑप्शन में या तो लिखा होगा मेघालय प्लेटू और या तो लिखा होगा शिलोंग प्लेटू ठीक है कोई एक चीज उसमें वहां पर जो है वो टिक करके आना या तो शिलोंग टिक कर होगा या तो मेघालय होगा ठीक अच्छा फिर अगला पॉइंट लिखिएगा द एवरेज हाइट ऑफ मेघालय प्लेटू अगला पॉइंट बना के द एवरेज हाइट एवरेज हाइट यानी कि सी लेवल से एवरेज हाइट ऑफ मेघालय प्लेटू इज बिटवीट थ्री जीरो मीटर ठीक है सिक्स टेन मीटर से वन एट थ्री जीरो मीटर ठीक है इसके आपके बीच में रहती है फिर अगला पॉइंट बनाकर लिखो या एक डायग्राम कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा कि डायग्राम आपको ज्यादा याद रहेगा थोड़ा तो सा इसमें ही डायग्राम के तौर तो से इसको बता देता हूँ एक तो, हाँ यहां पे लिखो बीच में मेघालय प्लेटू ठीक है एक बॉक्स मैंने एम लिखा पर आप लोग पूरा मेघालय प्लेटू लिखोगे एक बॉक्स क्रिएट कर दो उसके चारों ओर ठीक है तो इसके जो वेस्टर्न पार्ट है यानी कि ये नॉर्थ हो गया ये साउथ हो गया ये ईस्ट हो गया और ये हमारा वेस्ट हो गया तो मेघालय प्लेटू के वेस्टर्न पार्ट में जो है वो आपकी क्या है लिखिए गारो हिल्स गारो हिल्स ठीक ये इसके मेघालय प्लेटू के वेस्टर्न पार्ट में ठीक है फिर उसके बाद आ, मिकिर माउंटेन ये इसके ईस्टर्न पार्ट में है मिकिर माउंटेन ठीक है ये जो है ये इसके ईस्टर्न पार्ट में हो गया ठीक मिकिर माउंटेन जो है कहां पे हो गया इसके ईस्टर्न पार्ट में हो गया ठीक है और रही बात आपके किसकी खासी और जयंतिया वो लिख लो इसके नॉर्थर्न पार्ट में है तो सेंट्रल में लेकिन थोड़ा सा नॉर्थ में तो यहां पे लिख दो खासी खासी एंड जयंतिया ठीक है खासी एंड जयंतिया खासी एंड जयंतिया ठीक तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा इमेजिनेशन रखनी है कि मेघालय प्लेटू जहां आपको मैप में दिख रहा है उसके थोड़ा सा नॉर्थ सेंट्रल कह सकते हो खासी जयंतिया खासी एंड जयंतिया हिल्स है वेस्टर्न में गारो हिल्स है और ईस्टर्न में यानी कि इसके राइट हैंड साइड पे आपका मिकेड माउंटेन्स है अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है मोस्ट प्रॉबली वो क्या करते हैं ही गारो मेघालय प्लेटू और मिकिर माउंटेन इसको जम्बल कर देंगे आगे पीछे कर देंगे और बोलेंगे कि इनको कैसे लगाओ वेस्ट टू ईस्ट लगाओ ठीक है वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो सबसे पहले वेस्ट में गारो हो गया फिर आपका मेघालय प्लेटू हो गया और फिर आपका मिकिर माउंटेन हो गया ठीक या आ, जैसे मैंने बताया कि ये जो खासी और जयंतिया हिल्स हैं ये मेघालय प्लेटू के पूरे नॉर्थ में तो नहीं कहेंगे थोड़ा सा सेंटर बिल्कुल टच किया हुआ है तो एक आ, वेस्ट टू ईस्ट में ऐसे भी लगता है ध्यान रखना गारो हिल्स गारो के बाद खासी ठीक है गारो खासी और जयंतिया हिल्स ये भी एक ऑर्डर बिल्कुल सही है कैसे वेस्ट टू ईस्ट लगाने को आ जाए ये भी कहीं बॉक्स में लिख लो अगर आपको मान लो ये तीन हिल्स दे दें खाली गारो दे दें खांसी दें जयंतिया दे दें दे, दे दे, तो सबसे वेस्ट में आप गारो लगाओगे फिर उसके बाद खांसी आएगी फिर उसके बाद जयंतिया आएगी ठीक है और एक और ट्रिक की चीज कर दें मान लो आपको मिकिर भी दे दें क्योंकि चार ऑप्शन होते हैं तो क्या दे देंगे आपको खांसी दे दिया उन्होंने जम्बड़ करके फिर मान लो जयंतिया दे दिया फिर गारो दे दिया और फिर आपका मिकिर दे दिया ठीक है तो अगर हम इस मैप में चले तो मैप के अकॉर्डिंग क्या होगा सबसे पहले गारो फिर आपका खांसी फिर उसके बाद जयंतिया ये हम कैसे चल रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं ठीक है तो पहले आपके नंबर वन पे गारो हो गया दूसरे नंबर पे आपका खांसी हो गया तीसरे नंबर पे आपका जयंतिया हो गया और चौथे नंबर पे फिर लगा के आना मिकिर को ठीक है तो ये सबसे मिकिर जो होगा सबसे ईस्ट में होगा और सबसे वेस्ट में आपका क्या होगा गारो होगा ठीक ये ड्रॉ कर दिया क्लियर है सबको कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता ठीक तो ये आपका गारो खासी जयंतिया गया और मेघालय का नाम तो आप लोग तो सुनते होंगे किस लिए मेघालय का नाम आ, क्लास सेवेंथ एट में भी पढ़ा हुआ है मेघालय किस चीज मेघालय में कौन सी जगह जो है पूरी दुनिया में फेमस है मेघालय में कौन सी जगह जो है पूरी दुनिया में फेमस है भाई चेरापूंजी चेरापूंजी या मौसिंग ग्राम ठीक है ये फ्लक्चुएट करते रहते हैं ध्यान रखना हर मैं दो साल या तीन साल में देखता हूँ कभी किताबों में लिखा है कि द हाइएस्ट रेनफॉल ऑकर्ड इन चेरापूंजी फिर अगले साल पब्लिकेशन में लिखा जाता है कि मौसिंग ग्राम इज द हाइएस्ट प्लेस और मौसिंग और चेरापूंजी के बीच में जो डिस्टेंस है लगभग Uh, कह सकते हो कि 15 टू 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो कभी हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करने वाला चेरापुंजी बन जाता है और high, कभी हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करने वाला आपका ग्राम बन जाता है लेकिन दोनों ही जगह आपकी इन्हीं हिल्स के अंदर पड़ती है यानी कि गारो खासी और जयंतिया ठीक है और ये गारो खासी जयंतिया के बीच में आके कहते हैं क्लाउड जो है स्टक हो जाते हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ा बारिश थोड़ी जो होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है ठीक है एक फिनला ये भी साइंटिस्ट देते हैं पूरा कई इसका फेवर नहीं करते हैं, पहले बता दूं बट कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक ऐसा शेप फनल शेप बना देता है कि क्लाउड्स जो होते है हैं वो इससे बाहर नहीं आ पाते जब तक कि अच्छा खासा रेनफॉल ना कर दे इसलिए शायद ये जगह ज्यादा रेनफॉल रिसीव करती है ठीक है अच्छा फिर एक और एक लास्ट पॉइंट और लिखो मेघालय प्लेटू में जो एग्जाम में आता है लिखिए शिलोंग पीक शिलोंग शिलोंग पीक शिलोंग पीक रिसीव सॉरी इज दाइएस्ट पॉइंट ऑफ मेघालिया प्लेटू शिलोंग पीक इज दाइएस्ट पॉइंट इज दाइएस्ट पॉइंट लिख लो भाई ये कितना हाइट है इसकी वन नाइन सिक्स फाइव मीटर ठीक है शिलोंग पीक इज दाइएस्ट पॉइंट ऑफ मेघालय या शिलोंग प्लेटू जैसे कि आप मैप में देखी रहे हैं शिलोंग या मेघालय प्लेटू का एग्जाम में आए कि हाईएस्ट पीक कौन सा है तो शिलोंग पीक करके आना ठीक है चलो भाई ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पर क्या आ, आपका शिलोंग या मेघालय प्लेटू ठीक तो कल मैंने आपको बत, कल या परसों की क्लास मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं पेनसुलर प्लेटू का पहला पार्ट कर रहे हैं यानी कि सेंट्रल हाईलैंड का ठीक है मैंने आपको इसकी लिस्ट दिखा दी थी आ, डेकन प्लेटू के सब डिविजन लिखाया था yes, कितने थे आप तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ठीक नौ यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते देखो अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना इंडियन ज्योग्राफी में ये? जो आपके पांच से सात क्वेश्चन कुछ, आते हैं वो सारे यहीं से आ जाते हैं ये भी मैं पहले बता दूं हो सकता है कि ड्रेन सिस्टम से ना आए बाकी के हम जो और ज्योग्राफी के क्वेश्चन करें उससे ना आए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम इस समय कर रहे हैं ठीक है अच्छा ये वाला मैप मैं कल रख नहीं पाया था आपकी क्लास में यहाँ से आपको मालवा प्लेटू दिख रहा होगा और वहीं से आपको मालवा के नॉर्थ में बुंदेलखंड प्लेटू भी आपको दिख रहा होगा बुंदेलखंड दिख रहा होगा मैप में आपको बागेलखंड दिख रहा होगा मारवाड़ दिख रहा होगा ठीक है ये सारे मैप आपको इसमें दिख रहे होंगे चलिए तो अब हम लोग जो है डेकन प्लेटू को पिकअप करेंगे और डेकन प्लेटू में हेडिंग डाल दीजिए पहले डेकन प्लेटू जो दूसरा पार्ट है हमारा हेडिंग डालिएगा डेके प्लेटू डेके प्लेटू ठीक है और इसमें लिखिए द एवरेज हाइट इसकी एवरेज हाइट क्या है मतलब सी लेवल से एवरेज हाइट 500 मीटर टू थाउजेंड मीटर ठीक है 500 मीटर टू थाउजेंड मीटर ठीक सी लेवल से तो आप समझ सकते हैं कि ये एरिया जो है बहुत लो लेवल पर है ठीक फिर लिखिए डेकन प्लेटू कवर्स या डीपी लिख लो शॉर्ट में डेकन प्लेटू कवर्स पहला लिखिएगा महाराष्ट्र ठीक है महाराष्ट्र मेजर पार्ट मांगे चलो महाराष्ट्र में हो गया शुरुआत जो होती है सेकंड लिखो आपका छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ थर्ड आपका लिखिए उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है फोर्थ आपका लिखिए वेस्ट आंध्र प्रदेश आंध्र वेस्ट आंध्र प्रदेश वेस्ट आंध्र प्रदेश ठीक है और फिर लिखिए कर्नाटका कर्नाटका और छठवा आपका लिखिए तमिलनाडु तमिलनाडु ठीक है ये भाई आपके छह जो आपके स्टेट्स हैं मेजर तौर पर जो डेकन प्लेटू हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्हीं छह स्टेटों में फैला हुआ है ठीक है एक ये आपको इमेजिनेशन रखनी है यानी कि जो हमने पिछली क्लासेस में जो ये आपके क्या किए थे नौ पार्ट किए थे सतपुड़ा महाराष्ट्र प्लेटू महानदी बेसिन उड़ीसा हाईलैंड दंडकड़ियन तेलंगाना प्लाटू तमिलनाडु प्लाटू वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये सारे पार्ट आपको इन्हीं नॉन स्टेटों में मिलेंगे ठीक है सब में थोड़ी मिलेंगे कुछ में वेस्टर्न घाट मिलेगा तो जैसे छत्तीसगढ़ में वेस्टर्न घाट नहीं है लॉजिक तो दिखती नहीं आपको छत्तीसगढ़ में ठीक है चलिए तो इसमें सबसे पहला जो है हम लोग पिकअप करेंगे जो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं लिखेगा वेस्टर्न घाट्स हेडिंग डालिए पहले मैं वो उठा रहा हूँ जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वेस्टर्न घाट्स पूरा गुजरात के बॉर्डर से शुरू करते हुए पूरा नीचे तमिलनाडु तक तो क्या आता है, Western Ghats आता है, है? और ठीक यहां पर जो है वो क्या बनता है आपका ईस्टर्न घाट्स ठीक ये पूरा यहाँ से चलते चलते जहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं व्हाइट लाइन आप लोग को दिख रही है तो ये क्या है आपका ईस्टर्न घाट अब एक लाइन ड्रॉ करते हुए एक फर्क आपने देखा होगा वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यूअस है बीच में कोई ब्रेक नहीं है जबकि इसके मुकाबले जो ईस्टर्न घाट है बीच में क्या इनमें ब्रेक्स है ठीक है ठीके? कई ऐसी जगह है बीच में जहाँ पे ईस्टर्न घाट बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर दोबारा ईस्टर्न घाट शुरू होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं फिर दोबारा शुरू होते हैं ठीक है ठीके? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में कि वेस्टर्न घाट कंटीन्यूस है और ईस्टर्न घाट ब्रेक्स में फर्स्ट थिंग दूसरा वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है ईस्टर्न घाट के मुकाबले थोड़े ज्यादा ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट थोड़े नीचे हैं ठीक है ठीके? ये भी हम लोग समझेंगे अभी उरल इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा समझने में आपको आसान नहीं हो चलिए अब हम लोग सबसे पहले वेस्टर्न घाट करें तो उसमें पहला पॉइंट लिखेगा टोटल लेंथ ऑफ वेस्टर्न घाट टोटल लेंथ ऑफ वेस्टर्न घाट सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर ठीक है टोटल लेंथ ऑफ वेस्टर्न घाट 1600 किलोमीटर देखिए इसमें मैंने रखा है मैप में हाँ ये वाला मेरे ख्याल से मैप था हमारा तो इसमें नहीं है ठीक ये जैसे आप देख रहे हो मैप थोड़ा सा ये इमेज थोड़ी सी वो हो गई फैल गई तो ये जो आप देख रहे हो वेस्टर्न घाट आप देख रहे हो बॉर्डर कहाँ पर आपका इधर से शुरू हो रहा है गुजरात के बॉर्डर से और पूरा ये वेस्टर्न घाट है नीचे तक कहाँ तक आया आपका तमिलनाडु में ठीक है इसमें कर नहीं कर चलो कोई बात नहीं है हाँ ये जो आप देख रहे हो रेड कलर की लाइन इसमें आपको दिख रहा होगा ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया कहाँ से ऊपर गुजरात से शुरू करते हैं नीचे तमिलनाडु का पूरा सोलह हंड्रेड सोलह सौ सो किलोमीटर का ठीक है एक चीज आपको ध्यान रखनी है फिर और अगर स्पेसिफिक जाना है तो लिख लो आपका पूछ सकते एग्जाम में इट इज बिटवीन इट इज बिटवीन माउथ ऑफ ताप्ती माउथ ऑफ ताप्ती रिवर माउथ ऑफ ताप्ती रिवर अब माउथ ऑफ ताप्ती रिवर अगर आपको अगर आप मोबाइल फोन में लैपटॉप में देख रहे हैं तो आपको ताप्ती रिवर दिख रहा होगा यहाँ पर ठीक है ये जहां मैंने बॉक्स बनाया ये ताप्ती रिवर माउथ मतलब जहां ये अरेबियन सी में आके गिर रही है तो यहां से ये यह आपके वेस्टर्न घाट शुरू होते हैं यानी कि ये एक बॉर्डर का एरिया गुजरात और महाराष्ट्र के बीच पर तो बिटवीन माउथ ऑफ ताप्ती ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है और कहां तक है लिख लो माउथ ऑफ ताप्ती टू कन्याकुमारी टू कन्याकुमारी ठीक है नीचे तमिलनाडु में कहां तक हो गया आपका कन्याकुमारी तक हो गया कन्याकुमारी कन्याकुमारी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तो ये जो टोटल लेंथ है यही मैंने आपको शुरू में लिखाई कितनी लिखाई सिक्सटीन हंड्रेड किलोमीटर ठीक है तो यहां से तीन चार फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं अब अगला पॉइंट में आके लिखेगा द एवरेज हाइट अब इसकी हाइट क्या है भाई द एवरेज हाइट द एवरेज हाइट ट्वेल्व हंड्रेड मीटर्स द एवरेज हाइट ट्वेल्व हंड्रेड एवरेज हाइट ट्वेल्व हंड्रेड मीटर्स ठीक है ये आपका जो है ट्वेल्व हंड्रेड मीटर जो है इसकी आपकी जो एवरेज है वो हाइट है ठीक है तो देखा जाए तो थो थोड़ा सा ऊंचाई हो गया आपका फिर अगला पॉइंट लिखिएगा एक और पॉइंट लिखिए। इट इज ऑल्सो नोन एज इसका एक और नाम क्या है वेस्टर्न घाट का इट इज ऑल्सो नोन एज सहिद्री। ये नाम शायद कभी आपने सुना हो ऑल्सो नोन एज सहिद्री। ठीक है ये इसका एक अल्टरनेटिव नेम है कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वेस्टर्न घाट का अल्टरनेटिव नेम बताओ तो टिक करके आना सहिद्रि फिर लिखो अगला पॉइंट बना के इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू जो ये आपका वेस्टर्न घाट या सहिद्री है तो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू नॉर्थ सहिद्री। आप चाहे तो वेस्टर्न घाट भी लिख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न घाट लेकिन मैक्सिमम किताबों में नॉर्थ सहिद्रि लिखा हुआ है तो नॉर्थ सहिद्रि और जो दूसरा डिवाइड किया गया दूसरा पार्ट जिसका नाम रखा गया है साउथ सहिद्री ठीक है साउथ सहिद्री ठीक तो दो पार्ट आपके हो गए नॉर्थ सहिद्री और आपका साउथ सहिद्री और आपका साउथ सहिद्री ठीक है तो अगर आप मैप की तरफ देखें तो थोड़ा एक ना इमेजिनेशन में मैं ये ये डिवाइड कर दू ये वाला पार्ट जो है वो नॉर्थ सहिद्री हो गया ठीक है और इसके नीचे वाला पार्ट जो है एक समझाने के लिए साउथ सहीद्री एग्जैक्ट लाइन मैंने बनाई नहीं है लेकिन समझाने के लिए ऊपर वाला नॉर्थ सहिद्री नीचे वाला आपका क्या हो गया साउथ हो गया ठीक है अच्छा फिर अगला लिखिएगा अब इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है और बहुत एग्जाम में पूछते हैं लिखिए द हाइएस्ट पॉइंट द हाइएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ सहीद्री द हाइएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ सहिद्री हाइएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ सहिद्री इज कल्सूबाई भूलना नहीं इसको ठीक है कलसु बाई कल इसकी हाइट लिख लो कितनी है वन सिक्स फोर सिक्स मीटर ठीक है वन सिक्स फोर सिक्स मीटर वन सिक्स फोर सिक्स मीटर ठीक तो देखो एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आता है कि कलसुबाई जो कि एक हाईएस्ट पीक है बताओ इन चारों में से किसकी है तो आपने टिक करना है नॉर्थ सहिद्री नीचे ऑप्शन में होगा नॉर्थ सहिद्री साउथ सहिद्री ईस्टर्न घाट छोटा नाको प्लेट तो याद रखिएगा कलसुबाई हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ सहिद्री ठीक है फिर दूसरा पॉइंट लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट बना के और यह नाम पक्का आप लोगों ने सुना होगा महाबलेश्वर महा बलेश महा महाबलेश्वर इसकी हाइट लिख दो वन फोर थ्री एट मीटर तो महाबलेश्वर इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक या सेकेंड हाइएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ सहित्री सेकेंड हाइएस्ट पॉइंट सेकेंड हाइएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ सहित्री ठीक है सेकेंड हाइएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ सहित्री तो इसको भूलना नहीं सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ फ्रेटली और महाबलेश्वर एक और एक और वजह से इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वो है आपका कि महाबलेश्वर से ही आपकी क्या निकलती है ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर आप तो लिख सकते हैं यहीं पर कृष्णा रिवर कृष्णा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाबलेश्वर जो कि हाई सेकंड हाईएस्ट पीक हो गई नॉर्थ सहयत्री कृष्णा रिवर Originated from तो अगर आप आ, मैप की तरफ देखो तो आपको ये कृष्णा रिवर यहाँ दिख रही होगी ठीक है और कॉमन सेंस आप लोग यहाँ पे लगा चुके होंगे कि जितनी भी साउथ इंडिया के रिवर्स हैं ठीक है थीके? वो सारी की सारी क्या होंगी आपकी आ, इनका जो सोर्स होगा वो ग्राउंड वाटर होगा ठीक है और मैं जो कल क्लास में तरा था ये चंपल दिख रही है आपको यहाँ पर देखो ये चंबल मैंने अंडरलाइन की है वाइट कलर से चंबल हो गई सिंध हो गई केन हो गई बेतवा हो गई कल हम डिस्कस कर रहे थे ना ये सारी जो है क्या है ग्राउंड वाटर रिवर्स से और नेट होती है एमपी में और फिर कहा किस में जाके मिल जाती है हम जो कल डिस्कस कर रहे थे आज मैप सामने रखा है मैंने यमुना रिवर पे कल मैं बता रहा था ना आप लोगों को कि दिल्ली का नाइन्टी या नाइन्टी पानी दिल्ली से पहले ही डाइवर्ट कर देते हैं और अगर ये चंबल सिंध बे, आ, केन बेतवा अगर नहीं होती तो जब ये यमुना कहाँ जाके मिलती है मैप में आपको दिख रहा होगा ना वहाँ पे नंबर टू लिखा हुआ है इलाहाबाद में या प्रयागराज में गंगा रिवर में तो कोई पानी यहाँ पे होता ही नहीं वो तो अच्छा है कि यहाँ से पानी आ जाता है लेकिन यहीं पे ये यह थोड़ा अगला चैप्टर उसको मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ कि जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं ठीक है नॉर्थ इंडियन रिवर्स यानी कि आपकी तीन ही मान के चलना तीन कौन सी जो कि ग्लेशियर से निकलती हैं तीन उनके जो सिस्टम्स हैं यहीं पर एक बार आपको मैं डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपकी मैप की तरफ देखोगे एक तो आपकी मैप आप में बना तो रहा हूँ इंडस ठीक है दूसरी आपकी क्या हो गई गंगा और यहां से क्या हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र ठीक है तो ध्यान रखिएगा ये तीनों जो आपके रिवर्स सिस्टम है इन तीनों रिवर्स सिस्टम की मेजोरिटी ऑफ रिवर्स जो है वो आपकी ग्लेशियर ओरिजिनेटेड है ठीक है क्योंकि गंगा में काफी जो रिवर्स है वो नेपाल से आके मिलती हैं और साफ सी बात है नेपाल से जो भी रिवर गंगा में आके मिलेगी या ब्रह्मपुत्रा में इधर से आके मिलेंगी जो आसाम से मिलती है वो सारी की सारी क्या है ग्लेशियर ओरिजिनेटेड लेकिन गंगा रिवर की खासियत ये है कि गंगा में लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से कैसे हम जब भी यहाँ देखेंगे तो ये वाला हमारा लेफ्ट साइड होगा और इधर वाला हमारा राइट साइड होगा तो गंगा में जो लेफ्ट हैंड साइड से रिवर्स हैं वो सारी ग्लेशियर ऑरजिनेटेड है ध्यान रखना ये पॉइंट और जो राइट हैंड साइड से उसमें आके मिल रही है यमुना को छोड़ के वो सारी की सारी क्या है ग्राउंड वाटर ऑरिजिनेटेड है ठीक है तो मैं फर्क बता रहा था कि नॉर्थ इंडिया की जो सारी रिवर्स है लगभग लगभग वो आपकी पेरिनियल रिवर्स है क्योंकि उनका पानी ग्लेशियर से मिलता है तो पूरे साल भर उसमें अच्छा खासा पानी रहता है और जो साउथ की आपकी रिवर्स है जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तापी गोदावरी कृष्णा नर्मदा ये सारी ग्राउंड वाटर है और गर्मियों के महीनों में इनमें पानी जो है वो बहुत कम हो जाता है या कई नदियों में तो पानी सूख भी जाता है ये हालात हमारे यहाँ हो जाते हैं ठीक है इसलिए आपने एक वर्ड सुना होगा मेरे मुंह से भी यह समाचार में पढ़ा होगा आपने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर हम कोशिश ये कर रहे हैं भारत सरकार की नॉर्थ इंडिया की जो रिवर्स हैं उनको किससे जोड़ दिया जाए साउथ इंडिया के रिवर से कि जब मॉनसून के महीने में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पानी आपके नॉर्थ इंडिया के रिवर्स में आता है और पूरे उत्तर भारत में जो है फ्लड आ जाता है तो हम वो एक्सेसिव पानी कहाँ भेज दें नीचे साउथ इंडिया में ठीक है अब देखो इसको हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं चलिए वापस आते हैं हम लोग तो नॉर्थ चौदरी के हमने दो इंपॉर्टेंट पीक रख ली पहली पढ़ ली फर्स्ट आपकी कलसुबाई और दूसरी हमने पढ़ ली महाबलेश्वर ठीक है जिससे आपकी कौन सी रिवर निकलती है कृष्णा रिवर आपकी निकलती है ठीक अच्छा फिर अगला पॉइंट बना के लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट बना के इसको उठा देता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए कुद्रे के यू डी आर ए कुद मुख एम यू के एच कुद्रे मुख ब्रैकेट uh, में लिख लो भाई इसकी हाइट क्या है वन एट नाइन फोर मीटर ठीक है वन एट नाइन फोर मीटर तो इसमें लिखिएगा कंटिन्यू करके लिखो कुद्रे मुख कुद्रे मुख इज हाईएस्ट पीक कुद्रे मुख इज हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ सहिद्री ठीक है ऑफ दी साउथ सहीदी तो बहुत आराम से इसको एग्जाम में पढ़ के आना क्या पूछ रहा है आपका अगर नॉर्थ की पूछेगा तो कल्सुबाई टिक करके आना और अगर उसने साउथ सहीद्री पूछा है कि साउथ सहीद्री की हाईएस्ट पीक बताओ तो कदरे मुख टिक करके आना ठीक है दोनों में कंफ्यूज मत होना कि भाई कुद्रे मुख और कल्सुबाई एक ही तो नहीं है माना कि दोनों ही वेस्टर्न घाट की पीक से पर वो नॉर्थ की हाइएस्ट है ये आपकी साउथ की हाइएस्ट होगी फिर लिखो अगला सेकेंड पॉइंट बना के पुष्पगिरी पी यू एस एच पुष्प गिरी पुष्पगिरी इसके आगे लिख लो इसकी हाइट क्या है वन सेवन वन फोर मीटर ठीक है पुष्पगिरी वन सेवन वन फोर मीटर इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ सहिद्री इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ सहिद्री ठीक है सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द साउथ शहीद्री तो मैंने अब आपको चार पीकें लिखा दी और उम्मीद है चारों के नाम याद कर लोगे यानी कि पहला कलसूबाई उसके बाद महाबलेश्वर उसके बाद खुदरे और उसके बाद पुष्पगिरी और ये चारों चारों पीक जो है वो किसकी पीक है आपकी वेस्टर्न घाट या जिसका एक और नाम हमने क्या पढ़ा शहीद्री पढ़ा ठीक है ये चीजें आपको याद रखनी है अच्छा आगे बढ़ते हैं आ, यहीं पे लिख लो एक और पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट एग्जाम में आता है आ, नियर पुष्पगिरी कावेरी रिवर ओरिजिनेटेड नियर पुष्पगिरी नियर पुष्पगिरी कावेरी रिवर नियर पुष्पगिरी कावेरी रिवर ओरिजिनेटेड इसको लेकर इतना डिस्प्यूट चलता रहता है आपको पता ही है कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है कई सालों से चल रहे हैं अच्छा अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग और ये पिछले उत्तराखंड पीसीएस के अपर पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने कि आपके जो साउथ इंडिया है दक्षिण भारत जो हम ये पढ़ रहे हैं इसकी सबसे हाईएस्ट पीक का नाम बताओ इन चारों में से कौन सी है तो उन्होंने कुद्रुमिक दे रखा था पुष्पागिरी दे रखा था कलसूबाई दे रखा था और जो सही आंसर था वो दे रखा था और वो है आपका क्या दोदा बेटा तो अब अगला पढ़ मेरा लिख लीजिए आपका लिखिएगा एक मिनट हाँ दो डा बेटा एक बार हाँ ये लिखो अनाई मुडी अनाई मुडी अनाई मुडी ए एन ए आई अनाई मुडी अनाई मुडी इसका वो लिखो टू सिक्स नाइन सिक्स मीटर तो उसको पूरा कहिए अनाईमुडी इज दाइएस्ट पीक इज द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया ठीक है एक पहला पॉइंट हो गया तो ये नाम यहां देखिएगा अनाईमुडी इज दाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया और दूसरा पॉइंट में आकर लिखो डोडा बेटा इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया डोडा बेटा डोडा बेटा इसका हाइट लिखो क्या है टू सिक्स थ्री सेवन मीटर टू सिक्स थ्री सेवन मीटर ठीक है तो डोडा बेटा इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया ठीक है तो कितनी पीक हो गई अब तक टोटल कितनी पीक लिखा दी मैंने चार की छह छ हो गई ना आप लोग के ठीक yes, yes, है कलसुबाई महाबलेश्वर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कलसुबाई महाबलेश्वर कुद्रे पुष्पागिरी सॉरी पुष्पगिरी और उसके बाद आपका ये अनाई मुड़ी और दोडा बेटा तो इन में से कोई भी क्वेश्चन जो है ये आपका क्योंकि यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एग्जाम में देते हैं लोग ठीक है तो अनाई मुड़ी पे याद रखना अब यहाँ से एक क्या आता है क्वेश्चन जो अगला हम स्टेप बढ़ेंगे कि ये जो अनाई मुडी है माना कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है बट लोकली ये जो अनाई मुड़ी पीक है ये किसका पार्ट है ठीक है अब अगला पॉइंट बना के लिखिए तो मैं आपको ना बिल्कुल क्लैरिटी से लिखा रहा हूं कि जब तो रिविजन करो तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अच्छा साउथ की कौन सी हाइएस्ट है नॉर्थ शहीद्री की कौन सी हाइएस्ट है और साउथ शहीदी की कौन सी हाइएस्ट अब अगला पॉइंट लिखिएगा अब आप लोगों को याद हो गया अनाई मुड़ी डोडा बेटा और ये सारे नाम अब अगला पॉइंट बना के लिखिए नेक्स्ट पॉइंट बना के Uh, अनाईमुड़ी जो कि साउथ की अभी हमने पढ़ लिया सबसे हाईएस्ट पीक है तो लिखिए अनाईमुड़ी अनाईमुड़ी इज अ पार्ट ऑफ या अनाईमुड़ी पीक इज अ पार्ट ऑफ अनाई मुडी पीक इज अ पार्ट ऑफ किसका पार्ट है ये अन्ना मलाई माउंटेन अन्ना अन्ना कई बुक्स में अनाई मलाई भी लिखा हुआ है पर मैंने कई बुक्स में अन्ना मलाई लिखा दिखा है अन्ना अन्ना मलाई मलाई ठीक है तो अगर उसने ये नहीं पूछा कि हाईएस्ट पीक बताओ साउथ इंडिया की तो भाई टिक तो नहीं पूछा तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन में आंसर दे देगा कि अनाई मुडी जो कि हाईएस्ट पीक है साउथ इंडिया की बताओ किसका पार्ट है किस माउंटेन का पार्ट है तब आप टिक कर केंगे, अनाईमलाई मलाई ठीक है अब इसको देख लेते हैं आपका क्या डोडा बेटा को जो कि सेकेंड हाइएस्ट है साउथ इंडिया की भाई ये भी किसी का पार्ट होगी तो अगला के लिखिए डोडा बेटा डोडा बेटा इज अ पार्ट ऑफ ये किसका पार्ट है इज अ पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स ठीक है इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स ठीक है तो भूले गए नहीं आप लोग अनाईमुडी पीक जो है अन्नामलाई माउंटेन का पार्ट हो गई और सेकंड हाइस्ट पीक साउथ इंडिया की डोटा बेटा नीलगिरी माउंटेन्स का पार्ट हो गया ये बाकी के मैंने ऊपर आपको लिखाई दिए अब देखो धीरे धीरे नाम बढ़ते आ रहे हैं अनाईमलाई माउंटेन्स भी दिमाग में चलेगा नीलगिरी माउंटेन्स भी चलेगा ऊपर आपका कल सुबाई महाबलेश्वर कुदरेमुख ये सब नाम है तो इसको तभी मैंने पॉइंट वाइज लिखा है कि रिवीजन करते में आसानी हो और कंफ्यूजन ना हो आपको एग्जाम में ठीक है अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग